हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया है। यदि आपके घर एक नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है और आप उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य में पढ़ाई व शादी में होने वाले खर्चे की पूर्ति के लिए ही इस सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत माता पिता के द्वारा अपने बिटिया के 10 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बचत खाता खुलवाया जाता है। अभिभावक द्वारा यह खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खुलवाया जा सकता है। इस खाते में बालिका के माता पिता प्रति वर्ष 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। इस योजना के तहत खोले गए बचत खाते में सरकार द्वारा एक निश्चित दर पर खाते में जमा राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज भी दी जाती है। यदि आप अपनी बिटिया की भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना 2024 में खाता खुलवाना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हम आपको SSY योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो दोस्तों, इस योजना की विशेषताएं, इसका उद्देश्य पात्रता, इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, इसलिए कृपया आप हमारे इसको पूरा देखें। तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों के भविष्य में पढ़ाई, उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि माता पिता अपनी बेटियों की भविष्य की चिंता से मुक्त होकर उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। सुकन्या योजना के तहत माता पिता के द्वारा अपनी कन्या का निवेश खाता खोला जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। इस समय सुकन्या खाते में जमा की गई राशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जा रहा है। यदि आपको SSY योजना से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना 2024 का उद्देश्य यह है। सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। अक्सर बेटियों के जन्म होने पर गरीब परिवार के अभिभावक चिंतित हो जाते हैं कि उनकी बेटी का भविष्य कैसा होगा। वह बेटियों की पढ़ाई लिखाई एवं शादी के खर्चे को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इन्हीं सभी चिंताओं से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोई भी गरीब परिवार से संबंध रखने वाले अभिभावक भी आसानी से अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खुलवा सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। इससे बेटियों के बड़े हो जाने पर उन्हें पैसे की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बेटियां भी आत्मनिर्भर बन जाएंगी। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं। SSY योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अभिभावक अपने बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। इस योजना के तहत खोले गए बचत खाते का संचालन बालिका के माता पिता 10 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। बालिका के माता पिता द्वारा खोले गए खाते में प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। सुकन्या योजना के तहत खोले गए खाते में खाता धारक को 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यदि माता पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए इस खाते में जमा राशि को निकालना चाहते हैं, तो कन्या की 18 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद जमा राशि का 50% निकाल सकते हैं। बालिका के नाम से खाता खुलवाने के बाद यदि कोई राशि जमा नहीं की जाती है, तो खाते पर प्रतिवर्ष 50 रुपए का पेनल्टी लगाया जाता है। निवेशकों को SSY योजना के तहत 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स में भी छूट दी जाती है। सुकन्या योजना के अंतर्गत एक परिवार से 2 कन्याओं का खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना कौन कौन
करा सकते हैं, चलो जानते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए कन्या एवं उनके माता पिता देश के अस्थायी निवासी होने चाहिए। सुकन्या योजना में एक परिवार की केवल दो बालिकाओं का ही खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत एक कन्या के नाम से केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज जो आपके पास होना चाहिए, तो दोस्तों SSY स्कीम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आदि। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बिटिया का खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस लेकर जाना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, बैंक जाकर डाकघर द्वारा मांगे गए दस्तावेज, पासपोर्ट साइट फोटो। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस के किसी भी बैंक शाखा में जाकर आप अपनी बिटिया के भविष्य के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ SSY खाता में जमा राशि कब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सुकन्या योजना के तहत खाते में पैसे जमा करवाते हैं और आप जमा की गई राशि निकालना चाहते हैं तो आप निम्न स्थिति में जमा की गई धन राशि निकाल सकते हैं। यदि बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो वह उच्च शिक्षा के लिए खाते में जमा राशि का 50% निकाल सकती है, लेकिन एक साल में एक ही बार और अधिकतम 5 साल तक किस्त में धनराशि निकाली जा सकती है। सुकन्या योजना के तहत खोले गए निवेश खाता में 15 वर्षों तक निवेश करना अनिवार्य है। किन परिस्थितियों में SSY खाता बंद किया जा सकता है? तो दोस्तों, आप इन परिस्थितियों में सुकन्या खाता को 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बंद करा सकते हैं और खाते में जमा राशि निकाल सकते हैं। कन्या की शादी होने की स्थिति में लाभार्थी कन्या द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद अपनी शादी के खर्च के लिए परिपक्वता अवधि से पहले पैसे निकाल सकते हैं। खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में यदि खाता धारक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में बालिका के माता पिता सुकन्या योजना खाते में जमा राशि निकाल सकते हैं। खाता जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से असमर्थ होना। यदि अभिभावक द्वारा लाभार्थी कन्या के खाते को जारी रखने में असमर्थ होते हैं तो इस स्थिति में परिपक्वता अवधि से पहले SSY खाता को बंद किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना 2024 के तहत अकाउंट कैसे खोलें? तो दोस्तों, SSY खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले अभिभावक को अपने नजदीकी किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना चाहिए। अब यहाँ से उन्हें सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है। अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भर लेना है। फॉर्म भर लेने के बाद इसमें मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर दें। इतनी प्रतिक्रिया पूरी करने के बाद आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर देना है और इस प्रकार आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपने बिटिया का खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, स्कीम के तहत जमा की गई राशि पर 7.6% की ब्याज दर प्रदान की जाती है।